स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मेरे पास आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ रहे हैं आप? अब प्लीज प्लीज यहां से चले जाइए। हम मिलेंगे और आदि भी वापस लौटेगा। ये तो लॉक्ड है, मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा। फर्श पे पाताल गेट की बिछा के रखा है। अब तू ठीक है ना बेटा? जी गुरु मां। बेटा, तुम्हारी मां दिव्या ने आज से 20 साल पहले इस डायन को कैद किया था। ये उसी बात का बदला ले रही है बेटा। कैद थी इसीलिए मैंने तुझे मुंबई जाने से नहीं रोका, लेकिन अब मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन गुरुमा, मुझे माँ को ढूंढना है। और मुझे तेरी माँ को दिया हुआ वचन निभाना है। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है बेटा, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तू नमन से शादी करके कहीं इतनी दूर चली जाना बेटा कि ये डायन कभी तुझ तक ना पहुंच सके। हाँ माँ, हम भी वही बोल रहे हैं, मतलब पिया अम्मा बिल्कुल सही बोल रही हैं। और अम्मा हम तैयार हैं पिया से शादी करने के लिए। हाँ पिया, अम्मा वही कह रही है ना। तू बोल बेटा, क्या फैसला किया तूने? नमन से शादी करेगी ना? ठीक हो ना गुड़िया? तुम नहीं जानती मैं कितना घबरा गया था जब उस डायन ने मुझे बताया कि तुम दावंश के कब्जे में हो। पता नहीं मैं उस दावंश और उसकी फैमिली की बातों में कैसे आ गया। अनाप शनाप बातें कर रहे थे वो लोग कि फ्यूचर से वापस आए हैं, फ्यूचर में तुम्हारी और अंश की शादी। थैंक गॉड मैंने दावंश को तुम पर हमला करते हुए देख लिया, पर मुझे उसके इरादों के बारे में पता चल गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक दावंश तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। आई मीन उसी ने पहले तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की और फिर तुम पर अटैक कर दिया, क्यों? तुम्हें इस बारे में कुछ पता है बेटा? नहीं नहीं बाबा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले उस डायन ने मुझे पकड़ लिया और फिर दावंश ने मुझ पर हमला कर दिया। अगर आप नहीं आते ना तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। डोंट वरी, दावंश अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अब वो हमारे तहखाने से कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने जो कहा है वही करो, मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा दिल पर,
मैं अपने दिलबर के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? कभी नहीं? हाँ बेटा, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ? नहीं, मैं तो वो, मैं बस ये सोच रही थी कि... अच्छा अच्छा, समझ गया। तुम सोच रही हो कि अंश अपने घर वापस नहीं जाएगा तो हमसे उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, मैं यही सोच रही थी। तुम फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। निशान जी, मेरा बेटा कहाँ है? निशान जी, अंश कहाँ है? निशान जी, बताइए ना, कहाँ है हमारा अंश? पिया, 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 बेटा तुम ठीक हो? पिया, अंश कहाँ है? हाँ बेटा, तुम और अंश कहाँ थे? हम लोग परेशान थे बेटा, तुम लोगों के लिए। हाँ पिया, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक हो और अपने पापा के घर पे हो? हाँ पिया, अंश ने भी नहीं बताया हमें कि तुम दोनों यहाँ पर। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज, आप गुड़िया से दूर रहिए। क्या? दूर रहिए? निशान जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए शेखर जी, अभी अभी गुड़िया मौत के मुंह से लौट कर वापस आई है, वो इस वक्त घबराई हुई है, प्लीज उसे परेशान मत कीजिए, आप लोग चले जाइए। निशान जी, हम पिया को परेशान नहीं कर रहे हैं, और पिया भी ये बात जानती है। पिया, बेटा सब ठीक है ना? बेटा अंश कहाँ है? वो भी तो गया था निशान जी के साथ तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन मेरी बेटी से दूर रही है। निशान जी, आपकी बेटी मेरी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है। Enough! Enough! मैं आप लोगों की ये बिना सर पैर की बकवास पहले ही सुन चुका हूं, अब और नहीं सुनने वाला, और ना ही मुझे आप लोगों की किसी भी बात पर कोई भरोसा है। निशान जी, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। तो फिर मेरा भी एक सच सुन लीजिए कि आपका वो प्यारा बेटा अंश मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंश कभी पिया की जान ले भी सकता है, उसे मारने की कोशिश कर सकता है? नहीं निशा जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जरूर आपको कोनो गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अच्छा, अपनी आंखों से देखा था मैंने शेखर जी, और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो पिया से पूछ सकते हैं। पिया, बेटा क्या कह रहे हैं निशा जी ये? हाँ, ये सच है, अंश ने मुझ पर हमला किया। नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा अंश ऐसा कर ही नहीं सकता। भाभी, हो सकता है पिया तब की बात कर रही हो जब अंश ने कोहरायन से पिया और हम सबको मारा था। पिया, क्या तुमने वो झुमका छुआ था जो अंश के हाथ में था? भाभी, मुझे नहीं लगता कि पिया ने उस झुमके को छुआ होगा। अगर पिया ने उस झुमके को छुआ होता तो पिया को पता लग गया होता कि अंश उसका पति।
गुड़िया ने उस झुमके को छुआ था अविनाश जी, और फिर भी उसे कुछ याद नहीं है। क्या जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये झुमके को छूकर याददाश्त वापस आ जाना, फ्यूचर से पास में चले आना, ये आप लोगों के खानदान में होता होगा। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि ना मेरे पास आप लोगों के लिए वक्त है और ना आप लोगों की इन मनगढ़ंत कहानियों के लिए। निशान जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए, क्या मिलेगा हमें मनगढ़ंत कहानियां बनाकर? ये तो आप जानती होंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है निशान जी, हम चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ये तो बता दीजिए कि अंश कहां है। मेरे पास आप लोगों के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, समझ रहे हैं आप? अब प्लीज प्लीज यहां से चले जाइए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.